नमस्कार, वक्त हो गया है किसका, बंगाल का, और हम बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट की। बंगाल में नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं, वहीं बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको कोलकाता के कुम्हार टोले ले चलेंगे जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है, क्यों? इस सवाल को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। बंगाल की दुर्गा पूजा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। माँ दुर्गा की ये मूर्तियां हिंदुस्तान से लेकर सात समंदर पार तक पूजी जाती हैं। बंगाल में चुनाव के इस मौसम में दुर्गा पूजा की भी खूब चर्चा हो रही है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है, नए रंग देती है, नए श्रृंगार देती है। यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जिन मूर्तियों में हम भगवान देखते हैं, जिन मूर्तियों को हम पूजते हैं, उन मूर्तियों को आकार देने वालों के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? तंग संकड़ी गलियां, बदहाल सड़कें और जर्जर हालत में वर्कशॉप, अब यही पहचान है 400 साल पुराने कुम्हार टोली के। कुम्हार टोली ये हब है जहाँ पर देश विदेश से ऑर्डर्स आते हैं और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि बांग्ला भाषा में कहावत है बारो मासे तेरो पार्वण, जिसका मतलब है कि पूरे साल के 12 महीनों में 13 यहाँ पर पूजाएँ मनाई जाती हैं, और ये सारी पूजा की मूर्तियाँ बनती हैं यहीं पर। खराब सड़कें, सकरी गलियां, त्रिपाल से ढके घर और टूटे हुए वर्कशॉप्स की ये तस्वीरें कोलकाता के 400 साल पुराने कुम्हार टोली की हैं। मौजूदा वक्त में भले ही सरकार ने मूर्तियों के इस जन्म स्थान को भुला दिया है, लेकिन इस जगह का इतिहास गौरवमय रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो कुमार मैंने दुर्गा पूजा हुआ था, राजा नवो कृष्णो जो सोवाजा राजबाड़ी ने तो पूजा किया था, उसी समय नदिया से राजा कृष्णचंद्र ने तो वहाँ से कारीगर भेजा था, नदिया कृष्णनगर नवोदी जो एरिया है, तो उसी समय से कुम्हार टोली का ये मूर्ति कारीगर लोग जितना भी है, हमारा बुजुर्ग जितना है, सब वहीं से शुरू है। ऐसी ऐतिहासिक परंपरा के बाद भी आज कुम्हार टोली की हालत खराब है। 400 परिवार यहाँ बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के रहते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किस हालत में है वर्कशॉप, किस जर्जर हालत में यहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि बारिश के मौसम में यही छत से पानी टपकता है और उनकी मूर्तियाँ खराब होती हैं, फिर एक बार बनाना पड़ता है। आप देखिए, पूरे इस वर्कशॉप को तिरपाल से ढका गया है, साथ में छत के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक है। आज कुम्हार टोली का जो यह परिवेश है, जो एनवायरमेंटल जो परिवेश जो है कुम्हार टोली का, तो पुराना ही रहेगा, इसमें कोई डेवलप हुआ नहीं। इस परिस्थिति में मूर्ति तो हम लोग का बनाना है ही, क्या करें, मजबूरन बनाना पड़ता है। ऐसे प्लास्टिक में झाप के ऊपर प्लास्टिक लगा के, तिरपाल लगा के, टीन लगा के, क्योंकि यहाँ को डेवलप हुआ नहीं, ना तो गवर्नमेंट का कोई ध्यान है, खाली यहाँ पॉलिटिक्स का राज चल रहा है। 70 साल का उम्र है। ये दिलीप पाल है। बीकॉम करने के बाद इन्होंने मूर्ति बनाने को अपना पेशा बनाया था। अब ये 70 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन 70 सालों में इन्होंने यहाँ कोई बदलाव नहीं देखा। हम लोग बीकॉम पास किया, उसका बाद हम ये मूर्ति लाइन में आ गया। तो हमारा जो ये मूर्ति का जो कारोबार है, इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा स्टॉक वैल्यू नहीं है।
लेकिन हम 70 साल का उम्र का देखता है जो कुमारटुली का कोई डेवलप नहीं हुआ है। दिलीप पाल की निराशा ऐसे ही नहीं है, इसकी वजह भी है। वजह है ऐसी तस्वीरें जो सवाल करती हैं कि 10 साल की सत्ता में ममता बनर्जी ने कुम्हर टोली के लिए क्या किया। पहले 34 साल तक वामपंथियों की सरकार रही, पिछले 10 सालों में तृणमूल की सरकार रही, लेकिन कुमार टुली के जो यहाँ पे मूर्तिकार हैं उनकी आर्थिक सहायता नहीं हुई या इस कुमार टुली का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिस हाल में पहले था अभी भी कुमार टुली उसी हालत में है। यहाँ मूर्ति बनाने वाले कुम्हार भी व्यवस्था और सरकार से नाराज है। हालांकि चुनावी शोर में एक बार फिर इनकी उम्मीदें जगी हैं। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बदला हुआ, देखा ना, फाटा फूटा हुआ, प्लास्टिक लगा हुआ, ताबो लगा के काम करते हैं हम लोग। सरकार भी चाहता है तो सब भी देता सीखता है, किंतु वो भी तो देता है, किंतु माने कुछ कुछ मानुष नहीं पाया है। ऐसा नहीं है कि कुम्हर टोली बंगाल के सुदूर गाँव का कोई इलाका है, ये उत्तर कोलकाता में स्थित है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन 10 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, सवाल उन राजनीतिक दलों से भी है जो दुर्गा पूजा की बात तो करते हैं लेकिन माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाने वाले मूर्तिकार उनके एजेंडे में नहीं है। मई 2020 में बंगाल में अम्फन तूफान आया था और उसके बाद अगर पीछे को छोड़ गया तो वो है बर्बादी का मंजर। तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि कई ऐसे इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है वहां तक राज्य सरकार का कॉम्पनसेशन नहीं पहुंचा और वहां पर कई ऐसे परिवार थे, पीड़ित परिवार, जिनको वो पैसा नहीं मिला। यहाँ कोलकाता के कुमार टुली में भी एक ऐसी ही छवि है। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबाल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। वहीं कल टीएमसी ने शिकायत की थी कि बंगाल में केंद्र की योजनाओं का विज्ञापन किया जा रहा है। ये कोलकाता के सॉल्ट लेक का इलाका है। इस पेट्रोल पंप पर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, लेकिन इसे अब उतार दिया गया है। वजह है चुनाव आचार संहिता। बंगाल और कोलकाता जो राजधानी है, यहाँ जितने भी पेट्रोल पंप है उनके डीलर्स को निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी पोस्टर्स हैं यहाँ पर केंद्र सरकार की स्कीम्स के और जो एडवर्टाइजमेंट है उसे निकाल दिया जाए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए सॉल्ट लेक के पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो है पोस्टर निकालने का काम चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं, इस पोस्टर में केंद्र सरकार की स्कीम्स का जिक्र है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी है। दरअसल कल टीएमसी ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर की शिकायत की थी। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के बैनर से बीजेपी को चुनावी फायदा हो रहा है। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने सभी चुनावी क्षेत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने के आदेश दे दिए। नियम के मुताबिक चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव वाले क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं का विज्ञापन नहीं कर सकती हैं। अगर विज्ञापन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी दल को मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति की तस्वीर लगी होती है तो वो तस्वीर भी हटानी होती है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। इस बीच बंगाल में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्रियों की तस्वीर वाले विज्ञापन भी ढक दिए गए हैं। चुनाव आयोग के बंगाल विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, लेकिन एमसीसी के लागू होने के 48 घंटे के बाद भी राज्य सरकार के यहां पर कई ऐसे पोस्टर्स थे जो राज्य सरकार की स्कीम्स की एडवर्टाइजमेंट करते थे। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, कोलकाता का ये सॉल्ट लेक का इलाका है और ये बस स्टैंड पर आप जो देख रहे हैं ग्रीन कलर से पूरे तिरपाल से कवर किया गया है, ये राज्य सरकार की स्कीम्स की एडवर्टाइजमेंट थी और कई जगहों पर जो बैनर्स है ममता बनर्जी के उसको उतारा जा रहा है। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप।
अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।